अच्छा बाबूजी, समय कैसेट के बैनर तले बिरहा का मुकाबला। हम गायक कलाकार श्री भगवान यादव बागी, संगीत इंजीनियर जिला बागी बलिया उत्तर प्रदेश, पहाड़पुर चिलकहर थाना कोतवाली रसड़ा। मुकाबले में है बिरहा गायिका तो तमाम है, लेकिन हमारे अखाड़े के हमारे पूजनीय गुरु हृदय नारायण कवि जी जो बैठे हुए हैं और पूजनीय गुरु हमारे रामकरण जी बैठे हुए हैं। संगीता सरोज जी को बिरहा में सिरनी की उपाधि हम लोग दे दिए हैं। गायिका बहुत हैं, लेकिन सब संगीता जी ना हो जाइए। नदियां बहुत हैं, सब गंगा जी ना हो जाइए। फूल बहुत हैं, सब गुलाब नहीं हो जाएंगे। ए भैया, तो आप लोग इस बिरहा को सुनेंगे, मुकाबले का बिरहा, और आशीर्वाद दुलार प्यार अपना देंगे। और हमको उम्मीद है कि आप लोगों के ये बिरहा मुकाबला का पसंद आएगा। आप लोग तमाम तमाम बिरहा हमारी लोर की आप लोग सुनते हैं, बड़ी दुलार प्यार देते हैं। हे भैया हे, तो वहीं के कहते हो मोटरसाइकिल वाला, अरे बिरहवा तो बजा के सुनत हो, तनियो के अंगुरिया से टीप के तनी लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी लिख दो। तो वहीं के कहते हो हे हे मोटू भैया, तनियो करा पर ध्यान दो। बड़ा बढ़िया बिरहा आप लोग आनंद लिहली मुकाबले का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो बाबा साहब ने संविधान को लिखे, बहुत बहुत कठिनाइयां आई सामने, तमाम तमाम लड़ाइयां लड़ करके बाबा साहब ने देश को बचाया। भूमिका में कहना है मास्टर, अरे भाई दलदल में फंसी है दलितों की नैया, कोई उबार दे तो बन के खेवैया, ब्राह्मण बाद सबको दे तो दूतकारी, अछूतों को गाली दे तो फटकारी, मुसलमान कहते कि मुसलमान है अम्बेडकर, मन्नूवाद कहते कि अभी नदान है अम्बेडकर, हृदय नारायण कहते इंजीनियर श्री भगवान सुनो, अरे दलित और पिछड़ों के भगवान है अम्बेडकर। संगीता जी बड़ा बढ़िया गजल सुनौली, हम कोशिश करत हैं कि एगो गजल सुना दें। कौन गीत का लाइन बा मास्टर, थोड़ा बताइए। मर्द मेहरारू का बात बा संगीता जी, ऐसन भगवान जोड़ी बनोले हों संगीता जी सुरेंद्र जी का। अब बिचवा में एगो हम आ गईनी श्री भगवान जी, श्री से लक्ष्मी जी का भी वास होला, आ संगीता जी में भी यश बा, शुरू के नाम में सुरेंद्र जी में भी यश बा, श्री भगवान में भी यश बा, तो हमनी के कुंभ रास में आ जाइए। बड़ा बढ़िया गजल के अंदाज मिलल बा एक तरज क। कोना मेहरारू अपनी मरद से कहत बा का, जैसे मान लो रात के संगीता जी अपने पति सुरेंद्र हारमोनिया मास्टर जी से कहेली का, कि अरे जिया रा सन न न न न हो या मोर राजा, बाबा क्या बात है, सुरेंद्र जी बिरहा गा के अलन तो बड़ा बढ़िया रसगुल्ला मिठाई लेके अलन, हमसे कहलन ये इंजीनियर साहब अब तो प्रोग्राम हो गए, अब हम चलब घरे। हम कहले कि अरे भैया हई श्यामा कंपनी के डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर हुन संदीप निषाद साहब, तो हई तनी बढ़िया मिठाई छेना के ले जाओ उनके, तबे न तोहर मान जान होई आ सेवा तोहार होई। तई मिठाई जब ले के चलन अलन घरे, तो इनकर श्रीमती जी यानी संगीता मेम साहेब का कहली, हमारा बलमु हम के ले अइले मिठैया, बाबा
थैया हमारा बलम जी हो 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 रजेश भैया हमारे उस्ताद एमएलसी साहब गुरु काशी जी का वलन कि हमारा बलम जी अरे ले ले मिठैया रे कद्दू नवा चुरुर मुरुर हो या मोरे राजा तो गीत की लाइन है मेरे मित्रों मेरे साथियों मेरे बंधुओं लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ी ऊंची बात सजा के लिखाए क्या लिखते हैं अरे भारत छोड़ी के जाओ लंदन में बाबा भारत छोड़ी के जाओ लंदन में लंदन में भारत छोड़ के ए सुरेंद्र जी आ दुर्गेश जी बिंजू मास्टर जी आ राजेश जी संगीता जी तू सुनला संदीप जी आप भी सुन लीजिए अरे भारत छोड़ के जाओ रे लंदन में और अपना शासन ले जाओ लंदन में हमारा देश गुलाम था मेरे साथियों भारत माँ जगदम्बा गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई करार रही थी अंग्रेजों का जलवा था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में भी अंग्रेजों का जज्बा था बाबू गरीबों को सताया करते थे आया दिन जो है प्रतिदिन सताते थे अंग्रेज महात्मा गांधी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तमाम तमाम नेता लोग थे बाबूजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और एक और नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद जीना साहब डेली मीटिंग चलती थी हमारे हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेज ब्लैक डॉग कहा करते थे ब्लैक माने कल्ला डॉग माने कुत्ता गरीबी चरण सीमा पर थी छुआ छूत वाली बीमारी पूरा चरण सीमा पर थी बाबूजी शहर में कह नाम है मास्टर लर ला लर ला 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 लार ला 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 रे ला बनाए अंबेडकर एक नई अब कहानी है पचासी के लोग घबराए हिंदुस्तानी है बाबा साहब ने एक दिन वहां पर जाकर कोई जांच ले यहां पर आकर के लेकिन अरे अंग्रेजों ने झटपट एक बयान किया साइमन का मिशन जो ठीक एक बात किया मीटिंग किया भारी आकर यहां पर फाइल सामने रख दिया है लाकर ए बाबू तमाम नेता लोग बैठे हुए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीब परिवार में जन्म लिए माता का नाम भीमाबाई
पिता का नाम रामजी राव, जो आर्मी में भर्ती हो गए थे। संगीता जी बिरहा की शेरनी का हमने उपाधि दिया है। संगीता जी ने बिरहा में बताई है आप लोगों को कि बाबा साहब 14वें पुत्र अपने माँ भीमा बाई के गोद में अवतार लिए। 13 पुत्र पुत्रियां पहले से थे। भीमा बाई का एक सपना था कि क्या भगवान हमको एक आपने ऐसा लाल दे दीजिए, एक ऐसा लाल दीजिए जो हिंदुस्तान की धरती पर अपने करिश्मा को दिखा सके। ये बाबू भैल का वही भीमा बाई की गोद में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जन्म लिए। आ कब जन्म लिए थे बाबू? ए बाबू 14 अप्रैल के जंजबा बधैया बजी थी बाबा, 18 सदी 14 अप्रैल बाबा का जन्म हुआ। बाबा साहब धीरे धीरे बड़े हुए। विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल में, बाबूजी पटरी कलम दुधिया दुआई लेकर कंडा की बाबूजी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, प्यास लगती थी पानी नहीं पीने दिया जाता था। उस समय मन्नुवाद का व्यवस्था था बाबू, ब्राह्मणवाद का व्यवस्था था। मन्नुवाद का जो है कि जलवा चरण सीमा पर था बाबू। एक लाइन गीत की तरज बदल गई मास्टर साहब। बाबा साहब किसी तरह से विद्या हासिल कर लिए बाबू। आज जब विद्या हासिल कर लिए, ऊंचाइयों तक पढ़ाई अपनी जारी रखे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से धीरे धीरे बाबा साहब जब पढ़ करके आ गए तो, और आगे भी पढ़ने के लिए मन बना लिए बाबूजी, तो अब ये हुआ बाबा साहब सोचने लगे कि छुआछूत वाली बीमारी चरण सीमा पर है। भाई साहब बाबा साहब लंदन गए। लंदन में जो है बैरिस्टरी परीक्षा वकालत अपना जो है पूरी कर करके इंडिया में आए। और जब इंडिया में आते हैं ये बाबूजी संविधान की रचना शुरू करने लगते हैं, तर्जवा हुए बाजन मास्टर साहब बजा गिलन सुपर डुपर हारमोनिया मास्टर जिनका जोड़ नहीं है यूपी में, सुरेंद्र सरोज साहब का बजौलन। एक थे लड़की जो जब आए अपनी बाबा से कहत बा, का कहती बा संगीता जी, अरे बाबा हो भैली गावा नवा जोग, छतिया पर दुई उठल बा उठनावा, जनली कि भैल कौन रोग, बाबा हो भैली गवा नवा जोग, यही के जोन बा हमारे गुरु एमएलसी साहब गावेलन। क्या गाते हैं कि आई हो दादा बदल गई दुनिया, लेकिन जब बैरिस्टरी पास करके मास्टर साहब जब आए संविधान की रचना शुरू करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, वो समय का भाव बा का कि अरे मुंह में राम बगल में छुरी, संगीता जी देखा धीरे ही धीरे गायब लेकिन तो से बीस रहा। मन्नुवादी व्यवस्था थी बाबू, मुंह में राम जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन कैसे जय श्री राम, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम और रात में 500 ग्राम। ए भैया यह लोग का थुमन का, अरे मौका पाके अब काट ली है मूड़ी, मुंह में राम बगल में छुरी, बगल में छुरी, बगल में छुरी, मुंह
बाबूजी संविधान बाबा साहब शुरुआत कर दिए लिखने के लिए, धीरे धीरे लिखना भी शुरू कर दिए। और ये इस बात को पता लगता है किसको, मन्नुवाद व्यवस्था ब्राह्मणवाद को। जब बाबूजी इस चीज को पता लगा कि अरे हई देखा हई भीमा बाई के लड़का खाए के ठेकान ना रहल, स्कूल में जोन बा शिक्षा ढंग से ना मिलल, आज कौन बैरिस्टरी पास करके आयल हुवन जोन जबा की संविधान लिखी हन, वो भी हिंदुस्तान भारत का। ए भैया बाबा साहब के बतिया नगवान लगल बा, ए बाबू आपिस से बहरा जा करके नीचे जमीन पर चटाई बिछा के संविधान के शुरुआत कैलन, आ संविधान के शुरुआत कैलन, आ संविधान के रचना कई दिहलन, संविधान लिखा गई। ये बाबू संविधान लिखा गई, लिखला के बाद उस संविधान को पेश किया गया। अब पेश किया गया संविधान को बाबूजी, तो उसमें भी जो है एक बहुत बड़ा राज मिला। अब क्या राज मिला बाबूजी, 1950 ईस्वी में संविधान जो है पूरा हो गया था, बाबा साहब ने जो है ले आकर के ऑफिस में फाइल रख दिए और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने पेश कर दिए। एक चीज और संगीता जी आपसे कहना चाहूंगा, ये इंजीनियर श्री भगवान बागी कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, आगे आपको काम आएगा ये चीज। लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस का समय आ गया है, झंडा फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस उसको किस लिए नाम दिया गया, क्यों फहराया जाता है, इसलिए कि 1950 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने देश का संविधान पेश किए, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पढ़े लिखे भाइयों को गौर करने के लिए हमने जो है समझने के लिए बता दिया। तो बाबूजी जब पेश हो गया तो पंडित जी लोग अब सोचे लागल, लो ब्राह्मणवाद व्यवस्था था, ए बाबूजी मन्नुवाद, जब इन लोगों को पता चल गया कि रे बाप रे बाप, तो उसमें सदस्य को जो है कि गठित किया गया, उसमें तमाम तमाम लोग बैठे थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बैठाया गया, जिन्ना साहब भी थे। अब उस समय एक जो है समस्या पेश कर दिए जिन्ना साहब। जिन्ना साहब बोले हमारे भारत का प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाए, लेकिन महात्मा गांधी जिन्होंने आग लगाए करके दुनिया से चले गए, जो आग अभी तक बुझी नहीं है, सदियों तक भी चलता रहेगा, ये आग बुझने वाली नहीं है। ए बाबू महात्मा गांधी ने कहा हमारे देश का प्रधानमंत्री अछूत नहीं रहेगा। तब भीमराव अम्बेडकर बोले कि जिन्ना साहब को बना दीजिए। जिन्ना साहब की बात सुनकर के महात्मा गांधी बोले हमारे देश का प्रधानमंत्री मोहम्मदन नहीं रहेगा। तब जिन्ना साहब का खून खौल गया और बोलने लगते हैं खबरदार, हमारा पाकिस्तान बांट करके हिस्सा अलग कर दो। ए बाबू उसी समय पाकिस्तान को जो है इंडिया से भारत से अलग कर दिया गया और वही लड़ाई जो है अभी तक चलती आ रही है। जिन्ना साहब जो है अपना अलग बांट करके राज पाकिस्तान बना लिए, संविधान पेश किया गया। और जब संविधान पेश किया गया तब बड़का बड़का लोग जो जवा की अब सोचे लगलन के रे बाप रे बाप, ये में का लिखल बा तनी पढ़ा। तब तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे बाबू, खाली पोथी पतरा देखे से उनकर काम चलत रहल जोन जबा, ज्ञान ना रहल केहू के अंदर जोन जबा की आज मन्नुवाद व्यवस्था है, आपके पास इतनी जो है शैली नहीं है कि आप संविधान को लिख सकते हैं। बाबा साहब की देन है कि उन्होंने लिख दिया। और जब पढ़े, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप महात्मा गांधी जी ताली गलत लग गई, ये तो भीमराव अम्बेडकर ने चमार योहिर भर नुनिया धुसाद पासी कुहार राजभर मलाह बीन निषाद, ये तो सबको 85% आरक्षण लागू कर दिया, अब हम लोग कहां जाएंगे। ए भैया आपस में ये लोग मीटिंग बना करके शाम का टाइम रहल, हमार बिरादरी जोन जबा की आग जला के जाड़ा का मौसम रहल, आ कम से कम 10-12 आदमी अहिर लोग जोन बात उन बैठे रहलन, कुछ तो अंगूठा छाप रहलन, कुछ जोन बात दू चार ले पढ़ले रहलन, अब वही जजा के बात के वो लोग पेश कर दिलन, भैया तरज बदल गए मास्टर साहब।
एगो दुल्हा का दुल्हिन जोन बा पढ़ल लिखल आ गई रहल सुरेंद्र मास्टर साहब तो वो जी जी कही के बुलावे अपने दुल्हा का ओकर दुल्हा जोन बा कहलन सुना हम अमेरिका नौकरी करीला तो हम अमेरिका रहिला अंग्रेजी हम जानिला अंग्रेजी में हमसे बतियाव तो कहले बा दुल्हिन से संगीता जी का कहले बा कि अरे हमके राजा जिन कहा डार्लिंग डियर कहा के बदल के सुरेंद्र मास्टर साहब रजेश बाबू दुर्ग विजय जी बिंजू मास्टर फिल्म में जोन बा फिल्म के गायक गौलन का कि दुल्हा अरे दुल्हा धीरे धीरे चला ससुरारी गलिया चला ससुरार गलिया। लेकिन सुरेंद्र मास्टर साहब एक ठे दुल्हिन का दुल्हा गंजेड़ी मिल गई रहल वो अपने पति से बड़ी परेशान रहल बेचारी कान में का कनबाली नाक में का नथुनी ए संगीता जी मैं बेच के गांजा पीघल रहल आ जब पीघल रहल तो कहत बा का कि राजा अरे राजा पी अजन गाजा हो खराब होई बा % के लोग ब्राह्मणवाद व्यवस्था मन्नुवाद लोग पहुंच गए कौड़ा जाके कहने लगे कि भैया एक बात बताइए आप लोग बाबा साहब ने संविधान लिख करके आगे जो है कि जाहिर कर दिए कि आज आप लोग उसमें हिस्सा लेंगे कुछ यादव लोग कहे हमारा अहिर बिरादरी जो उन कान में अंगुरी लगा के लोरकी गावे वाला लौर लेके गाय चरावे वाला लोग तो जाके कहलो तो कल भैया बाबा साहब लिखले बणन तो हिस्सा हमने के 85% बनेला सौ में 85 ले ले जा 15 तोहलो कहब ये हम नहीं कह रहे हैं नाराज होने वाली बात नहीं है ये वेद बता रहा है संविधान बता रहा है ये श्री भगवान के घर में इंजीनियर साहब के घर में ही नहीं लिखल संविधान में लिखल बा हैं हम कोनो गलती ना कहत हैं बुरा माने वाली बात ना बा तो कहल लो कि ये भैया ये बतावा बाबा साहब का हुआन तो वही में एक जना हमार अहिर भाई कहलन बाबा साहब तो अछूत हुआन चमार हुआ तजन जबा तब पंडित जी बाबा जी बतौलन कहलन कि ये मर्दवा तो तब में हिस्सा लेब तो तू का होइब आ तो हम चमार हो जाते मर्दवा तो नहीं सुना तू कितना बड़ा आदमी हो भाव है मास्टर क्या अरे यादों से कहले तू महान मिताऊ अब यादों से कहले तू महान मिताऊ हमारी देशवा में कृष्णा भगवान मिताऊ अरे यादों से कहे तू महान मिताऊ
हमारी देशवा में कृष्णा भगवान मिटऊ बतावे लगलन कि अरे भैया तू बहुत बड़े आदमी हुआ। चौधरी साहब यादव जी कहलन कि कैसे बड़े आदमी है बतावे लगलन का कि कृष्ण चरवलन गाया तू हम चरावेला कैले महाभारत तू बहादुर कहावेला अब नहीं कहुआ खाना दान मिताऊ तो हमारी अरे हमारी देशवा में हुआ भगवान मिताऊ कलन की देखा कृष्ण भगवान के खानदान कहुआ जा ऊ जौन जब आकी गाय चरावत रहलन कदम के डालतर बंसी बजावत रहलन अहिर परिवार से रहलन ऊ भगवान हुवन ए हमनी के ब्राह्मणवाद के लोग आज यादव जी आपके प्रणाम करत हवी जा तो वही में दो चार जना बूढ़ लो रहे लो जोन बिना बुद्धि क आदमी कह लो कि भैया बाबा सही कहत हवन हमनी के जौन जब आज ले प्रणाम कर ली जा बाबा करत हवन ये ले बाबा सही कहत हवन इस संविधान लिखा गया है लेकिन गलत है, है? अछूत का लिखा हुआ है हम लोग ले लेंगे या छूत हो जाएंगे बारे बुद्धि बारे भ्रष्ट दिमाग ए बाबू कहलन की सुना महाभारत के लड़ाई कृष्ण भगवान लड़ौलन कौरव पांडव में वो बहादुर रहलन तो होनोल नहीं के परिवार के हुआ जा बहादुर हुआ जा ये लिए आप लोग बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं कह लो कि तब हमन के भैया ना चाहिए इनके मना के बाबू राजभर बिरादरी की हैं लोग गए कोयरी की हैं गए पासी पसवान की हैं गए सोनकर की हैं गए सरोज की हैं गए सबको जो है मना कर दिया सब लोग उनकी बातों में आकर के फंस करके लोगों ने मना कर दिया ए भैया जब मना हो गया आगे एक लाइन गीत बदल गया मास्टर साहब क्या उहे तो गीतिया के लाइन बा कोनो मेहरारू के जौन जबा नैहरे में जौन जबा हमरे नहीं अहिर से प्यार हो गई रहल सोराहना के मरद जैसे हम सोराहना के मरद हैं सुरेंदर भैया वैसे ही ओके सोराहना के मरद से प्यार हो गई रहल आज हमार राजेश भाई सेरा गए हूँ ए भैया उहे गीतिया के लाइन मास्टर कैसे कि अरे हम गवा नवा नहीं हम गवा नवा नहीं पीछे पड़ल बाया हीरा बाई मानवा पीछे पड़ल बाया हीरा बाई मानवा हम गवा नवा नहीं जा ये भैया लेकिन अब तू फनावा भैले ना अरे तू फनावा होई है ना कैले बाबा साहब एलनवा कैले बाबा साहब एलनवा अब तू फनवा हुई है ना जय पचासी के गीत गवाई जय पचासी के गीत गवाई बात खतरे में हिंदुस्तानवा बात खतरे में हिंदुस्तानवा अब आयला नवा कैले ना बात खतरे में हिंदुस्तानवा बाबा साहब अंग्रेजों को कहने लगे कि सुनिए अब आप लोग अपना तामझाम उठाइए और आप लोग सीधे विदेश के लिए रास्ता ले लीजिए ए भैया
अंग्रेजों ने संशोधन किया, मीटिंग किया, उसको पढ़ा। संविधान को पढ़ने के बाद में बाबूजी जो है इंडिया को छोड़ करके अंग्रेज जो है चल देते हैं अपना लंदन के लिए। जाते समय हमारे हिंदुस्तान से लाल किला आप लोग देखे होंगे, सारा सामान लूट करके अंग्रेज लेकर के चले गए, सारी संपत्ति को लेकर के चले गए। ये जो हमारी आज भारतीय रेल जो चल रही है अंग्रेज नहीं बनाया था, तमाम तमाम ऐसी चीजें बनाया है अंग्रेज ने जो कि आज भी वो चीजें मौजूद हैं। विदेशिया में कहना है मास्टर दो लाइन भाव है, अरे दुखवा में बरिसे लागल अयखिया से पनिया ता, अब बाबा साहब कई दिहल न भरी नवा। आंख से आंसू गिर रहा है बाबा साहब का, और कहते क्या है कि अछूता चमार के और पचासी के लोगावन के, अरे धरती पर रहे बादे अब ना मिली है जामिनिया। अब हमारे 85% के वर्ग के लोगों को, हमारे अछूत वर्ग के लोगों को रहने के लिए अब जमीन भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए कि हमने बड़ी मेहनत करके लिखा है। लेकिन कहीं पर बुराई कहीं भ्रष्टाचार अब होता बात, अरे थाना और कोटावा में गरीब के नाही होली सुनावई। आज की दशा है, तमाम तमाम पेपर में डेली पढ़ने के लिए मिलता है मेरे साथियों, गरीबों को सताया जा रहा है। मैं भी डेली यूट्यूब पर पढ़ता हूँ, डेली पत्रिका पेपर पढ़ता हूँ। आज उसको मार दिया गया, उसको अपहरण कर दिया गया, उसकी बिटिया की इज्जत लूट ली गई। बाबा साहब ने संविधान तो लिखा, लेकिन संविधान के पालन करने वाला अंग्रेजों को गोरखों को भगाने के लिए बाबा साहब का काफी योगदान रहा। और 85% में एक पासी ऐसी जात है जो लड़ाई के मैदान में अंग्रेजों से उतर करके खून खराबा शुरू किया, और 15 अगस्त 1947 को देश भारत को आजाद कराया गया। बारे बाबा साहब के संविधान तो ये बाबू एक लाइन तरज बदल गई मास्टर, गीत उहे आ गई बा कोन दुल्हिन कहत बा संगीता जी, ये धुन के बड़ी प्यार से गौली है। कि यार हमार पयज रोज हीरो जोड़ो दो, अरे झूलने पर उड़ने और जो जियो बुनो दो, हमारा पयज बराजा हीरा जड़ा दा। बजला बजवा, अरे बजला बजवा हो या आजाद हिंदुस्तानवा, बजला बजवा हो या आजाद हिंदुस्तानवा।
बजा बजवा हो आजाद हिंदुस्तानवा, जीना साहब कैले अलग पाकिस्तानवा। ए बाबू एक चीज कबीर जी ने बड़ी ऊंची बात लिखे हैं, क्या कि गांधी जी दिहलन है झगड़ा लगाई। करगिल पाकिस्तान की होली लड़ाई, उसी समय से लड़ाई कारगिल पाकिस्तान की कश्मीर बॉर्डर पर चली आ रही है। उधर अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर लंदन चले गए, और आज कारगिल पाकिस्तान पर आया दिन बाबूजी, हर जिला में बहुत ज्यादा तौर पर हमारे गाजीपुर उत्तर प्रदेश की धरती पे डेली एक शहीद जवान की लाश आती है, फौजी जवान की जो माँ के लिए हमेशा अपने सीने में गोली खाया करते हैं, और आजादी मातृभूमि के लिए अपने जान को जो है हथेली पर लेकर के माँ के धरती में माँ की गोद में सो जाया करते हैं। ये हमारी हिंदुस्तान का इतिहास है। बाबा साहब लिखे थे वो एक जमाना था कि मिट्टी गुलामी लावो आजादी, अरे मिट्टी गुलामी लावो आजादी, भारत का कड़कड़ बोला था, खुशी अनेको तन में गोलियां फांसी का फंदा डोला था। तब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। हमारे हिंदुस्तान के सेरे जवानों ने नारा लगाया करते थे बाबू देश की आजादी के लिए। तो बिरहा में टेरी का भाव है मास्टर, अरे राम रे आजादी ना या छूतों को मिली, पहले से अब तक हो रही बर्बादी, अरे बर्बाद, पहले से अब तक हो रही बर्बादी, आजादी ना या छूतों को मिली। तो भैया हम पहले से बर्बाद हैं, आगे भी अभी बर्बाद होते चलेंगे, आजादी उनको मिली जो पहले से आजाद हैं। पहपट में दो लाइन भाव है मास्टर, तो पिछड़ा वर्ग रोके दल दुहाई बाबा साहब हो, अले के जन्म फिर से आवा दोबारा बाबा साहब हो, बाड़ी गरीब की जतिया, मन्नुबाद से घिरल बे चमार वाली जतिया, अरे समाज में एकता बनावा बाबा साहब हो, अले के जन्म फिर से आवा दोबारा बाबा साहब हो। लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब आपको आना जरूरी है, कहना है कवि का क्या कि अरे 1956 छह दिसंबर वाली रतिया, अदगवा कमैला भारी बाबा ना का जतिया, तो भगवान रूप फिर से आवाम दोबारा बाबा साहब हो, गरीबन के नैया के पतवार बाबा साहब हो। शाही आज भी चल रही है बाबूजी। रामाबाई से बाबा साहब का पहली शादी हुई थी, कुछ दिन बीतने के बाद एक लड़का पैदा हुआ, रामाबाई दुनिया छोड़कर विदा हो गई। जब विदा हो गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दूसरी शादी की है सविता नाम की लड़की से,
ओ ब्राह्मणवाद की ही परिवार से थी सविता। ए बाबू हुआ क्या, 1956 6 दिसंबर वाली रात को मन्नुवाद व्यवस्था थी, बाबा साहब को जहर की शीशी से जहर मिलाकर पिला दिया गया। बाबा साहब दुनिया को छोड़ करके मां धरती की गोद में हमेशा के लिए सो गए, आजादी दे करके गए और कह करके गए कि ये 85 के लोग आप लोग लड़ करके अपनी हिस्सा जारी कर लेना। बहुजन की बीड़ा बाबा ने अपने सिर पर उठाया था बाबू। चले जाने के बाद उस बीड़ा को जो है मान्यवर कांशीराम जी आकर लेकर चलने लगे, हाथी चुनाव चिन्ह निशान लेकर चलने लगे। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक संगीत का इंजीनियर हूँ। संगीत खाता हूँ, संगीत पीता हूँ, संगीत पहनता हूँ, संगीत ओढ़ता हूँ और संगीत में ही रहता हूँ। दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कवि जी लिख देते हैं जो मजबूरी में गाना पड़ता है। तो बाबा साहब के साथ में बहुत बड़ी अन्याय की गई है। कुछ दिन के बाद बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए बाबूजी। सविता अंबेडकर भी इस दुनिया से चली गई, संविधान को पालन करने वाले। आज संविधान का पालन क्या हो रहा है, अब तो सुनने में आ रहा है कि बाबा साहब का नाम भी बदलने वाला है। नया जमाना है, नई सरकार है, नई दुनिया है, नई रीत है, नई रिवाज है। हर जगह गरीब सताए जा रहे हैं, ओखर में कूटे जा रहे हैं, चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है वैसे हम पीसे जा रहे हैं। किसकी गलती है, हमारी आपकी कमियां हैं। यदि हम एकता के बल बना करके पार्लियामेंट तक जाएंगे तो मेरी सुनवाई जरूर होगी, लेकिन हमारे अंदर बल नहीं है, एकता नहीं है, हैं? तो भैया हुआ क्या, आखिरी लाइन में कहना नाम है गुरु घराने का परिचय कहना नाम है क्या। कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू देवू भोला स्वर्ग सिधारे, अरे बाला गुरु हृदय नारायण राम करण गुरु संग मिल सिकासी रंग पसार। आजादी ना ये छूतों को मिली, गाते श्री भगवान गीत समाजवादी। आजादी ना ये छूतों को मिली।